सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ग्रेटर हिमालयस पढ़ रहे थे। तो ग्रेटर हिमालयस में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एवरेस्ट की कहानी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एवरेस्ट में क्या पढ़ा था कि एवरेस्ट को सबसे पहले 1841 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। ये भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने 1841 में इसको खोजा और उसके बाद इन्होंने इसका नाम दिया एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। जबकि अगर इसको नेपाल में देखें तो इसको सागरमाथा कहा जाता है। सागरमाथा होता है द गॉडेस ऑफ स्काई। अगर चाइना में देखें तो इसका नाम है चोमलुंगमा। चोमलुंगमा मतलब मदर ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, जैसे एवरेस्ट जिसकी एवरेज जो हाइट है वो 8848 मीटर है। सेकेंड पे आता है K2 जिसकी हाइट है 8611। थर्ड पे है कंचनजंगा। कंचनजंगा की हाइट है 8586। ये टॉप थ्री पहाड़ हैं जो ग्रेटर हिमालयाज में पड़ते हैं। पहला एवरेस्ट है 8848, दूसरा K2 8611, तीसरा है कंचनजंगा जिसकी हाइट है 8586। जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालयन प्लेन्स ग्रेटर हिमालयाज की वो 6100 किलोमीटर से ज़्यादा है और इनकी विड्थ जो है वो 25 किलोमीटर है। ये सैंड या लाइमस्टोन से नहीं बने हैं, ये बने हैं ग्रेनाइट और ग्नेशियस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और काफ़ी शार्प इनका स्टीप है। और वर्ल्ड के जो टॉप पीक्स हैं वो भी इसमें ही लोकेटेड हैं, इन्हीं ग्रेटर हिमालयाज में लोकेटेड हैं। इतने हाई पीक्स होने की वजह से यहाँ पे काफ़ी पासेस भी हैं। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पे दो पास पड़ते हैं। एक पास का नाम है बुरजील पास, दूसरे का नाम है जोजिला, ठीक है। ला मतलब होता है पास। तो दो पासेस हैं जम्मू कश्मीर के इस रेंज में यानी कि ग्रेटर हिमालयाज में, एक तो है बुरजील, दूसरा है जोजिला। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल के अंदर हैं बारालाच और शिपकीला। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में थांगला, नीति और लिपुलेख, ये सभी पास जो हैं इस तरीके से हैं। लेट मी शो दिस। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से पास थे, ठीक है। अगर आपको चाइना या तिब्बत में जाना है तो इन पासेस से होके जाना पड़ेगा। तो इसी हिमाचल में भी शिपकीला और जैसे बारालाचा पास हैं, तो ये इस तरीके से पास हैं। अगर आप नेपाल में जाएंगे तो वहाँ पे भी पास इसी तरीके से हैं। सिक्किम, मतलब ये सारे पास जो हैं इंडिया को चाइना से कनेक्ट करते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये सारे पास जो हैं इंडिया को चाइना से कनेक्ट करते हैं। और अगर उत्तराखंड में देखें तो यहाँ पे थांगला, लिपुलेख, नीति पास है। सिक्किम में देखें तो यहाँ पे नाथुला है, जलपिला है। ओके, सो ग्रेटर हिमालयस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं, अच्छा ये पासेस इतने ऊंचाई पर होते हैं, लगभग 4570 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यानी कि इनकी पासेस की ही एवरेज ऊंचाई होती है 4500 किलोमीटर, यानी कि 4.5 किलोमीटर ऊपर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जो हमारा आता है ट्रांस हिमालयस, ठीक है। ओके, ट्रांस हिमालयस में क्या है कि ट्रांस हिमालयस में जो ग्रेटर हिमालयस के नॉर्थ में पड़ते हैं उन पहाड़ों को ट्रांस हिमालयस कहा जाता है। और ये पहाड़ जो हैं सिर्फ इंडिया में ना रह के इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, ठीक है, चाइना तक हैं बेसिकली। तो ये जो हैं इन्हें ट्रांस हिमालयस कहते हैं और ये सबसे नॉर्थ मोस्ट पहाड़ हैं और ये इंडिया को सेपरेट करते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से। इन्हें तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ इनका जो एरिया है वो तिब्बत में लाई करता है। जैसे कि अगर मैप में देखें तो यहाँ पे लगभग जो बिल्कुल टॉप कश्मीर आपको दिख रहा है, टॉप मोस्ट कश्मीर वहाँ पर है। तो इनमें भी रेंजेस हैं, ठीक है, इनमें भी रेंजेस हैं। तो लेट मी ड्रॉ द इट्स रेंजेस, इनकी इन जो ये इनमें कौन कौन सी रेंजेस हैं। सो जो ट्रांस हिमालयाज हैं इनमें भी तीन तरह की रेंजेस हैं। सबसे पहली जो रेंज है वो है काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कुछ ऐसी इस तरह की रेंज है। काराकोरम के बाद आती है लद्दाख रेंज, जो कुछ यहाँ पे इस तरह से। लद्दाख के बाद आती है जंस्कार या जास्कर रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज ये है। तो जो लद्दाख रेंज है यही रेंज आगे चल के चाइना में कैलाश रेंज के नाम से जानी जाती है, जो तिब्बत में पड़ता है। इस समय पहले ही इंडिया में था बट 1962 में चाइना ने इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो जो माउंट कैलाश है जहाँ शिव जी का निवास स्थान है वह भी इसी एरिया में पड़ता है। और बाकी लद्दाख रेंज के नीचे आता है जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज के ऊपर आता है काराकोरम रेंज, और
ये चाइना में लगभग 1,000 किलोमीटर तक चलते हैं। इनकी एवरेज एलिवेशन जो है वो 3,000 मीटर है सी से, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है जैसे नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है इसकी हाइट है 8,126 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, और जो कैलाश रेंज है ये लद्दाख रेंज का ही ऑफशूट है जो वेस्टर्न तिब्बत में जाता है, और माउंट कैलाश की जो हाइट है वो 6,714 मीटर है। सो वी शुड नो द हाइट ऑफ माउंट कैलाश। माउंट कैलाश की जो हाइट है वो है 6,714 मीटर, ठीक है। ये जो हाइट है ये माउंट कैलाश की हाइट है। काराकोरम रेंज को पहले कृष्णगिरी रेंज भी कहा जाता था, और जब ये यहाँ पे इंडिया का मतलब जब ये एरिया इंडिया के अंदर था तब यहाँ पे इसे कृष्णगिरी रेंज के नाम से जाना जाता था। काराकोरम रेंज जो है ये ईस्ट वर्ड एक्सटेंड करता है पामेर नॉट से, तो यहाँ पे जो पड़ता है ये है पामेर नॉट। लेट मी शो दिस। यहाँ पे एक जगह हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश से पहाड़ ऐसे होके आते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिंदू कुश। तो ये पहाड़ ये ऐसे होके आते हैं, यहाँ पे फिर आते हैं पामिर नॉट, ठीक है। पामिर नॉट से 800 किलोमीटर लगभग ये चाइना में जाती है काराकोरम रेंज। तो पामिर नॉट से चाइना में ये रेंज जो है 800 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट जाती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स रहते हैं क्योंकि इनकी हाइट यहाँ पे बहुत काफ़ी है। ओके सो या दिस इज़ इट। तो ये हमारे पास जो है हम लोग ने पढ़ा ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन रेंज जो है ये ग्रेट हिमालयस के नॉर्थ में पड़ती है। यहाँ पे तिब्बतन, इन्हें तिब्बतन हिमालयस भी कहा जाता है। यहाँ पे जंस्कार, लद्दाख और काराकोरम रेंज है। ये ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 1,000 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, जिसमें 200 किलोमीटर ये अफगानिस्तान पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, और इंडिया से या फिर पामेर नॉट से आगे चल के ये 800 किलोमीटर चाइना में ट्रैवल करते हैं। एवरेज एलिवेशन यहाँ पे 3,000 मीटर है। यस सो ये हम लोग ने पढ़ा यहाँ पे हिमालयस के बारे में इन दोनों वीडियोस में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। थैंक यू।